हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर कॉमेडी आपके साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम ये हैं सोनू निगम और आज यार मैं बात कर रहा हूं ना कम कर 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 ठीक है ऐसे ही दरमियान में बोलना शुरू कर देते हो। जब छोटी वीडियो होती है ज्यादा लंबे ड्रामे लगाते हैं। चल तू बोल ले भाई। मैं नहीं बोलता ड्रामे लगाता क्या मतलब एक बंदा जब बात कर रहा है तो दरमियान में काट के अपनी बात शुरू कर देना कितनी बुरी बात है कुछ समझाए इसे, लेकिन ये नहीं समझता। खैर आज हम जो देखेंगे वीडियो उसके कॉर्नर पे मुझे जियो का साइन नजर आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी वीडियो तेरा सर कट रहा है कैमरे में आ जाएगा ठीक हो गया है। तो उसके कॉर्नर पे मुझे जियो का लगा हुआ वो जियो ने टेलीकास्ट किया है मे बी। सो फीमेल वॉइसेस सोनू निगम अमेजिंग फीमेल वॉइसेस सोनू निगम। हम सोनू निगम के सॉन्ग सुनेंगे उनकी फीमेल बात कर रहा था उनके बाल बड़े बड़े थे ना गुंगरियाले बड़े बड़े बाल तो इसलिए मैं बात कर रहा था गुंगरियाले बड़े बड़े बाल तो उस बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन अगर ये मुझे टोकता ना दरमियान में तो उसी फ्लो में जब मैं बोलता तो ज्यादा मजे की बात हो जाती, लेकिन अब उसका मजा खराब हो गया तो फिर आप कुछ अगर मजा खराब हो गया तो हम आगे चलें। हाँ अब बात करें हम वीडियो देखते लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा गाती है पर इनसे अच्छा मैं गाता हूँ लड़की की आवाज में। आपको मैं प्रूव करके दिखाऊं जाने दिल में कब से है तू जब से मैं हूँ तब से है तू मुझको मेरे पड़ोसी की कसम अंकल अबू से पहले हो तुम ऑन द स्पॉट आया। नहीं 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 सॉरी अभी आप आइए कॉम्पिटिशन बिग है। आपको पता है वैशाली ये गाना सोनू भैया ने गाया पता है ना मालूम। लेकिन जब स्टेज पे सोनू भैया गाना गाते हैं तो पता है कैसे गाते हैं कैसे? अकेले गाते हैं और वो भी फीमेल वॉइस में पता है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि सोनू भैया दो लाइन वैशाली के लिए और मेरे लिए सुना दें। सोनू तो सारे दूसरे मेल सिंगर्स के लिए थ्रेट है ही अब फीमेल सिंगर गुड बाय। बस यार ये बहुत छोटी तो ये छोटा सा क्लिप था इसमें तकरीबन 10 एक और इस तरह के क्लिप आने चाहिए थे मजे का था यार। पहले वाली जो सॉन्ग गाया था ना वो वैसे ही लग रहा था कि बिल्कुल कोई लेडीज नहीं बहुत ओरिजिनल। असल में ये पार्टी सॉन्ग जो है ना इसमें जो पहली फीमेल वॉइस ओवर है वो उतना इको नहीं करता वो वाला ना इस वजह से इस तरह से फील नहीं हुआ तो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था क्लियर एक डिफरेंस था जो पहले गाया था उसी सॉन्ग को उसने मेल वॉइस में गाया तो बड़ा फर्क था। लेकिन फर्स्ट वाला वाज टू गुड और मेरे ख्याल से उस तरह की 7-8-9-10 एक और क्लिप्स होती तो और ज्यादा मजा आता मजा आता था ना। हाँ मजे का था तो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी मजे की होगी लेकिन उतनी मजे की थी वीडियो। तो सोनू निगम तो काफी टैलेंटेड है यार सीरियसली पता चला मुझे तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि अब वो फीमेल सिंगर्स के लिए भी थ्रेट है तो वो वाले इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये काफी पुरानी वीडियो है अब तक मेरे ख्याल से 7-8-10 और क्लिप्स इस तरह की कलेक्ट करना तो कोई बड़ा मसला नहीं बन गया होगा है ना
ही इज गुड, तो हर दूसरे तीसरे शो में तो उन्हें फरमाइश आ ही जाती होगी कि वो उस तरह लड़की गा के दिखाए ना, तो मतलब खैर सो लेट्स बी सीरियस. तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे, लेट्स नॉट बी सी मैं बात कर रहा ध्यान में टोक देता हूं, बहुत बुरी बात. तो अपने साथ नीचे करने मुझे उलझन हो रही थी, देखिए आधा कटा रहा था, वो थी ना वो दरमियान में ना बोल बीच में ना बोल, हां वो बीच में ना बोल है ना, वो उसमें मतलब तो दाएं साइड पे बैठा होता तो ये प्रैक्टिस करना आसान हो जाती, बीच में ना बोल तो वो वाला सीन अब वहां तक जाना पड़ेगा. इसलिए सीख लो कि जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो दरमियान में नहीं बोलते, आगे चले मतलब अभी तक उसी बात पे अटका हुआ है तू. गुड गुड, ये अभी तुमने वेट किया हुआ था तो मैंने कहा दैट्स गुड. खैर ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको लगता है कि तीन चार और क्लिप होनी चाहिए थी ताकि ये वीडियो और ज्यादा एंटरटेनिंग होती. ये बहुत छोटी वीडियो थी. एग्जैक्टली. और कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम देखें तो उसका लिंक आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें सेंड कर सकते हैं, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिलेंगे. एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ नहीं होता, कर लें कुछ नहीं होता. ओके सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़.